वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स हिस्ट्री का चैप्टर 7 और जानेंगे अशोका द ग्रेट एम्परर के बारे में, जिन्होंने लड़ाई करना छोड़ दिया यानी वार्स में जाना छोड़ दिया। चैप्टर का नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वार। कि आपके हर चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो एक कहानी से होती है। यहाँ पर कहानी ये है कि रोशन नाम की एक लड़की है जिसका बर्थडे है और बर्थडे पे उसको खरीदनी है सीडी। उस टाइम पे सीडी चलती थी, यूट्यूब पे तो आप गाने नहीं सुन पाते थे उस जमाने में। जब ये बुक प्रिंट हुई है उस टाइम पे सीडी चलती थी, ठीक है। तो उसको एक नई सीडी खरीदनी है। उसके ग्रैंडफादर ने उसके बर्थडे पे कुछ क्रिस्प नोट्स दिए। क्रिस्प नोट्स क्या मतलब हुआ इसका? नए नोट्स हैं, कड़क नोट्स हैं, करारे नोट्स हैं, ठीक है। तो वो बहुत खुश हो जाती है और फील करने लगती है नोट्स को हाथ में लेके। तो वो देखती है कि नोट्स के राइट साइड में एक हंसता हुआ चेहरा है गांधी जी का और लेफ्ट साइड में ये लाइंस बने हुए हैं जो आपको पिक्चर में या साइड में दिख रहे हैं। तो वो सोचती है कि ये लाइंस नोट पे क्यों बने हुए हैं, ठीक है। अब इसी चीज को हम इस चैप्टर में जानेंगे कि क्या कहानी है इन लाइन की। देखो, हमने इसके इससे पहले के जो चैप्टर्स थे उसमें किंगडम का जिक्र किया है। किंगडम का, अगर कोई किंगडम बहुत बड़ा होता है तो उसको अ वेरी बिग किंगडम ना बोल के एन एम्पायर बोलते हैं। तो आप इतना जान लीजिए किंगडम से बड़ा क्या होता है? एन एम्पायर। जो हम लाइंस को अपने कॉइन्स पे या नोट्स पे देखते हैं ना, उनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। मतलब उनके बारे में आप इस चैप्टर में जानोगे। इनको काफ करवाया बनवाया गया था पत्थरों पे, और ये जो पत्थर पे बने हुए लाइंस हैं, ठीक है, मतलब पत्थर काट काट के लाइन बनाया गया है और फिर ये एक पिलर है इनके नीचे खंबे पे ये बने हुए हैं। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है हमें? सारनाथ, जो बनारस के पास है। चैप्टर 6 में इसका जिक्र हुआ था और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। तो कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि सारनाथ में पहली बार अपना उपदेश किसने दिया था। अब बात आती है अशोका की। तो जो अशोका है वो बहुत ही महान शासक हुए हैं, रूलर हुए हैं। उन्हीं के कहने पर इंस्क्रिप्शंस लगाए गए थे। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? ये जो शब्द आया है इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है बेटा, जब हम किसी मेटल के पीस पे या फिर किसी पत्थर पे कुछ लिखवाते हैं, इंस्क्राइब करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो अशोका ने बहुत सारे खम्भों पे, रॉक्स पे इंस्क्रिप्शंस करवाए थे, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखवाया था अशोका ने, ये जानने से पहले हम ये तो जान लें कि हम किंगडम को एम्पायर क्यों कह रहे हैं। मतलब किसके किंगडम को? अशोका के किंगडम को एम्पायर क्यों कह रहे हैं? क्या कितना बड़ा था वो ऐसा कि हम किंगडम ना कह के एम्पायर बोल रहे हैं? अब दरअसल जिस एम्पायर में शासक अशोका रूल करते थे, उस एम्पायर को बनाने वाले उनके दादाजी थे और उनके दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आज से करीबन 2300 ईयर्स पहले चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में एक बहुत ही महान व्यक्ति का हाथ है। मतलब इन अगर उनका सपोर्ट ना होता तो शायद चंद्रगुप्त मौर्य ना राजा बन पाते। और वो महान व्यक्ति है चाणक्य, ठीक है, चाणक्य, जिनका एक और नाम था कौटिल्य। यहाँ पर आपकी बुक में सिर्फ दो नाम है, मैं आपको तीसरा नाम बताती हूँ, विष्णुगुप्त, ठीक है। चाणक्य बोलिए, कौटिल्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए, इनके वजह से ही गुप्त जो मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य वंश है, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और बहुत सारी जो नीतियां हैं, आइडियाज हैं, आइडियोलॉजीज हैं चाणक्य जी की, वो एक किताब में लिखी गई है। इनकी किताब का नाम है अर्थशास्त्र। तो अगर एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे कोई पूछता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, तो आप बता देना चाणक्य ने लिखी थी, ओके। अब वर्ड आता है डायनेस्टी। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले शब्द बोला डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या होता है? When members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. The Mauryas were a dynasty with three important rulers: Chandragupta, his son Bindusar, and Bindusar's son Ashoka. तो देखो, आप जानते हो फैमिली एक परिवार। अगर मान लीजिए आज आपके परिवार में आपके पापा राजा हैं, ठीक है, उनके राजा के बाद आपका भाई बन गया राजा, फिर उनका बेटा राजा, फिर उनका बेटा राजा।
ये जो हायरार्की चलती है इसी को हम डायनेस्टी बोलते हैं। तो वैसे ही एक डायनेस्टी हो गई मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले स्थापना किसने की थी, सबसे पहले राजा बने थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको बनाने वाले थे चाणक्य। उसके बाद चंद्रगुप्त के जो बेटे हैं उनका नाम है बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे हो गए अशोक, और इस नाते से चंद्रगुप्त दादा हो जाते हैं अशोक के, या बोल लीजिए अशोक होते हैं पोते चंद्रगुप्त के। इज इट क्लियर ना? आगे देखते हैं। बहुत सारी सिटीज थी एम्पायर के अंदर, मतलब एक एम्पायर के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर था या बोल लीजिए अशोका का एम्पायर था, उसमें बहुत सारे शहर थे, ठीक है, जिनको हमने डॉट से मार्क करा है। इम्पॉर्टेंट सिटीज को हमने ब्लैक डॉट से मार्क किया है। मैं अभी उन सिटीज का नाम भी आपको लेके बताऊंगी। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज हैं उस जमाने की, ठीक है। तक्षशिला ये एक गेटवे था नॉर्थ वेस्ट के लिए, मतलब यहाँ से जो इधर की कंट्रीज है ना, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान ऐसे सब अलग अलग तो थे नहीं, सब एक ही था। तो इधर की जो कंट्रीज थी नॉर्थ वेस्ट की, वहाँ से अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसी को अंदर आना होता था तो वो तक्षशिला होके आता था, इसलिए तक्षशिला को नॉर्थ वेस्ट के लिए गेटवे कहा गया था, ठीक है। उज्जैन की बात करी जाए तो उज्जैन नॉर्थ टू साउथ का जो एक रूट है, देखो अगर कोई नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो बीच में क्या पड़ेगा, उज्जैन पड़ेगा। जो मर्चेंट्स होते थे या ऑफिशियल्स होते थे या क्राफ्ट पर्सन्स होते थे वो इन्हीं बड़ी बड़ी सिटीज में रहते थे, व्यापारी, बड़े बड़े ऑफिसर्स या फिर कारीगर, है ना, जूते बनाने वाला, ज्वेलरी बनाने वाला, कपड़े बनाने वाला, ये सारे जो लोग होते थे वो बड़ी बड़ी सिटीज में रहना पसंद करते थे। और जो अलग दूसरे एरियाज होते थे वहां पर क्या थे, विलेजेस थे, जहां पर कुछ किसान रहते थे या चरवाहे रहते थे जो झुंड में एनिमल्स को रखते थे और उनके दूध को, घी को, पर चीज वगैरह, बटर, जो भी पनीर वगैरह बनाते थे उसको बेच के अपने घर परिवार चलाते थे। कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो सेंट्रल इंडिया के हैं, जहां पर फॉरेस्ट थे वहां पर लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस होता था उसको इकट्ठा करते थे, उसको फिर मार्केट में जाके बेचते थे। अब फॉरेस्ट का क्या प्रोड्यूस हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट हनी, ठीक है, क्योंकि हनी की खेती नहीं होती, हनी आपको जंगलों से ही मिलता है, यानी कि शहद, शहद बेच के वो अपना जीवन व्यापन करते थे। और तो और शिकार करते थे खाने के लिए। तो पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब एक एम्पायर जो है, मैंने जैसा कि आपको बताया, काफ़ी बड़ा होता है, एक बड़े किंगडम को ही तो एम्पायर कह रहे हैं, तो बहुत बड़ा है। अब जब इतना बड़ा एम्पायर है तो वहाँ लोग भी तरह तरह के रहते होंगे, और तरह तरह के लोग तरह तरह की बोली बोलते होंगे, तरह तरह का खान पीन होगा, और अलग अलग प्रकार के तरह तरह के कपड़े भी पहनते होंगे, ठीक है। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? अब बात यह आती है कि किंगडम और एम्पायर में क्या अंतर है। पहला तो मैंने आपको बताया कि जब किंगडम बड़ा हो जाता है तो उसी को हम एम्पायर बोलते हैं, लेकिन क्यों, अंतर क्या है? एम्परर नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाई बिग आर्मीज, सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, किंगडम में जो सबसे बड़ा होता है शासक उसको हम किंग कहते हैं, और एम्पायर के अंदर जो सबसे बड़ा होता है उसको हम एम्परर कहते हैं। अब एम्परर को ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत होती है, मतलब वहां उसको ज्यादा जमीन चाहिए, पानी के ज्यादा सोर्सेस चाहिए, क्योंकि वो बड़ी बड़ी आर्मीज भी रखते थे, ठीक है। तो ये कुछ अंतर होते हैं। रूलिंग द एम्पायर, As the empire was so large, different parts were ruled differently. अब देखो empire बहुत बड़ा होता है तो जो अलग अलग हिस्से होते हैं empire के उन्हें हमें अलग अलग तरीके से rule करना पड़ेगा। अब देखो जो area था पाटलिपुत्र के पास का, अब पाटलिपुत्र आज के जमाने में कौन सी सिटी है, तो यह है पटना, और यही मेन कैपिटल था चंद्रगुप्त या फिर अशोका को बोल लो उनके एम्पायर का, कैपिटल कह सकते हैं पाटलिपुत्र, ठीक है।
तो यहाँ पर राजा बैठते थे, राजा का महल ही पाटलिपुत्र में होता था, तो राजा का डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ होता था। राजा कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करता था ताकि वो टैक्स कलेक्ट कर सकें किसानों से, चरवाहों से, कारीगरों से, व्यापारियों से, ठीक है, जो भी उस विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं उस एरिया के। और जो भी ऑफिसर्स होते थे वो पनिश भी कर सकते थे दूसरे लोगों को अगर वो बात को नहीं मानते हैं, तो मतलब अगर एम्परर की बात को नहीं मानते, उनके ऑर्डर्स का पालन नहीं करते हैं, तो उनको पनिशमेंट भी मिलती थी। और तो और इन ऑफिसर्स को टैक्स कलेक्ट करने के बदले में सैलरीज मिलती थी। उस जमाने में मैसेंजर्स भी होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और जासूस भी होते थे जो क्या करते थे, ये देखते थे कि ये ऑफिसर सही काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि राजा के नाम पर टैक्स वसूली कर रहे हैं और राजा को नहीं दे रहे हैं, खुद ही उसको खा रहे हैं, है ना, गलत काम तो नहीं कर रहे। तो इनके पीछे स्पाइस भी होते थे, स्पाइस मतलब जासूस। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। और इन स्पाइस और ओवरऑल सारे ऑफिसर्स के ऊपर राजा तो होता ही था, राजा भी देखता था कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, अपने सीनियर मिनिस्टर्स और अपनी फैमिली के दूसरे सदस्यों की मदद से। एक एम्परर बहुत बड़ा होता है, एम्पायर बहुत बड़ा होता है, और राजा तो एक ही जगह बैठ सकता है ना। जैसे इस टाइम पे मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री है, तो वो तो एक ही जगह रहेंगे, जैसे दिल्ली में रहेंगे, लेकिन हमारी स्टेट में भी अलग अलग सरकारें चल रही हैं, एमपी में, यूपी में, बिहार में, पंजाब में, तो यहाँ अलग अलग सीएम बैठे हैं। तो कुछ उसी प्रकार से समझ लो कि पाटलिपुत्र है हमारी राजधानी, तो वहाँ तो बैठे हैं अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार, जो भी हैं उस टाइम पे राजा, वो बैठे हैं, और उनने प्रोविंस बना रखी थी अलग अलग, तो उन प्रोविंस में गवर्नर हुआ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल तक्षशिला या उज्जैन, तो वहाँ पर कुछ प्रोविंस होती थी और उनकी देखरेख कौन करते थे, जो राजकुमार होते थे, ठीक है, या युवराज होते थे जो बोला जाता था ना, रॉयल प्रिंसेस, वो देखते थे। और लेकिन ये सारी जो तक्षशिला हो या उज्जैन हो, किसके अंडर आएगी, मगध के, क्योंकि हम ये जो किंग जिसकी बात कर रहे हैं ना, जिस एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, उनका नाम मगध ही है, और मगध की ही राजधानी पाटलिपुत्र है, मगध ही वो जगह है, वही किंगडम है जो इतना ज्यादा फल फूल रहा था उस टाइम पे। बिसाइड्स देयर वर अ वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स, हियर द मौर्यास ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट व्हाटएवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। यहाँ पर बहुत सारा मतलब एरिया था, और जो ये मौर्यास थे, मौर्यास किसकी बात कर रहे हैं, यही चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। अब मैं जब भी मौर्य बोलूं तो समझ जाना। तो ये क्या चाहते थे, ये सारी सड़कें और जो भी रिवर्स हैं हम उन पे कंट्रोल पाए, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, टैक्स कलेक्शन का काम होता है, वो सब यहीं से होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र टेल अस दैट नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स and South India for its gold and precious stones. It is possible that these resources were collected as tribute. देखो अर्थशास्त्र जो किताब कौटिल्य ने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है, उसमें बताया गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, ये कंबलों के लिए काफी फेमस था, ब्लैंकेट्स के लिए, और साउथ इंडिया अपने सोने के लिए, है ना, गोल्ड के लिए और प्रीशियस स्टोन के लिए। तो अभी ट्रिब्यूट का जिक्र चला था, तो दरअसल ये ट्रिब्यूट क्या होता है, एक चीज होती है टैक्स। तो टैक्स तो एक रेगुलर टाइम पे कलेक्ट करते हैं कि इतने इतने महीने में या एक महीने में एक बार, मतलब फिक्स टाइम होता है टैक्स कलेक्ट करने का। लेकिन ट्रिब्यूट तो ऐसी चीज होती है कि जिसको जब पॉसिबल हो तब हम उसको, मतलब ट्रिब्यूट को ले लेते हैं, चाहे लोग चाहे या ना चाहे। इस तरीके से ट्रिब्यूट भी एक तरीके से लोगों से जो चीज में वो काम कर रहे हैं वो कलेक्ट करना ही होता है। अगर मान लो कोई गेहूं उपज हो रही है किसी के, गेहूं की उपज हो रही है, तो उससे गेहूं लेना, ठीक है। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स, पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, बट मैनी हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल्स। क्या था कि यहाँ पर बहुत सारा ना जंगल का इलाका भी था, और जो लोग इन जंगल के इलाके में रह रहे थे वो ज्यादातर मतलब इंडिपेंडेंट थे ना, वो मगध के एम्पायर पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे, तो उनसे क्या अपेक्षा की जाती थी,
कि आप हमें, क्योंकि आप जंगल में रहते हो तो आप हमें टिम्बर दो, जैसे मैंने बताया था हनी दो, है ना, वैक्स दो और एलिफेंट्स दो, क्योंकि एलिफेंट्स भी कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और युद्ध वगैरह में हाथियों की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें इनसे डिमांड की जाती थी, एज अ ट्रिब्यूट मांग की जाती थी। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी मेगस्थनीस, अभी एक नया नाम आया है और आप सोचोगे ये कैसा नाम है मेगस्थनीस, तो दरअसल ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का था ही नहीं, ये बाहर का व्यक्ति था मेगस्थनीस। ये एक राजदूत था, एम्बेसडर कहते हैं ना, जैसे आज के टाइम पे अगर करंट की बात करूं बेटा, तो हर कंट्री में, जैसे इंडिया है ना, तो इंडिया के अंदर दिल्ली में एक जगह बनी हुई एम्बेसी, और एम्बेसी में क्या होता है कि जो अलग अलग कंट्री के लोग हैं वो आके रहते हैं। जैसे फ्रांस की एम्बेसी में फ्रांस का एक बंदा रह रहा होगा, है ना, और कनाडा की एम्बेसी का बंदा रह रहा होगा कनाडा एम्बेसी में, यूएसए का भी बंदा रह रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, न्यूजीलैंड, चाइना, ऐसे रहते हैं, समझ गए, मतलब दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। और आप क्या सोचो, इंडिया के नहीं रहते होंगे, तो इंडिया के भी बहुत सारे एम्बेसडर हैं जो बाहर बाहर की कंट्रीज में रहते हैं, ठीक है। अब ये जो एम्बेसडर उस जमाने में होता था, इसको बोलते थे राजदूत, तो ये मेगस्थनीज भी एम्बेसडर था। ये इसको चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था, और किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने, ये एक ग्रीक रूलर था वेस्ट एशिया का, ठीक है, याद रखना इस नाम को, सेल्यूकस निकेटर। मेगस्थनीज ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है, जो भी उसने देखा है इंडिया में उसको उसने लिखने की कोशिश करी अपनी किताब में। अब आपको अपना समझ में आ गया, मैं रिपीट करूं, मेगस्थनीज कौन था, चंद्रगुप्त जिस टाइम पे राजा थे मगध के, उस टाइम पे वेस्ट एशिया से ग्रीक लोग जो होते हैं, ग्रीस, आपने एथेंस एक कंट्री का नाम सुना होगा, तो उन लोगों को ग्रीक कहा जाता है, तो वहां का एक इंसान था सेल्यूकस निकेटर, वो वहां का राजा था, और उसने किसको भेजा है, मेगस्थनीज को भेजा है चंद्रगुप्त के दरबार में। आ गई बात समझ में, अब जब वो वहां आया और उसने कुछ कुछ चीजें देखी होंगी तो उसने लिखा होगा, अब क्या लिखा वो हम देख रहे हैं। द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस, ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पैलेंक्विन, हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेंड पैरट सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। देखो, उसने ये बताया है कि जब भी ऐसा कोई समारोह होता था, ओकेशन होता था, जब एम्परर पब्लिक में जाते थे और कोई बहुत ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन हो रहा होता था, तो वो क्या पहन के आते थे, गोल्डन पैलेंक्विन पहन के आते थे। आपने देखा है कुछ ऐसा गाउन सा होता है जो पीछे से लटक रहा होता है ना, झाड़ू मारता हुआ आता है, आजकल ये फैशन में भी चल रहा है, रेड कार्पेट पे बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी चीज़ें पहनती हैं, उसको पैलेंक्विन कहते हैं, तो वही वो राजा पहन के आते थे, और उनके आसपास गाइड करते हुए एलिफेंट्स भी होते थे, और उन एलिफेंट्स को भी सोने चांदी से सजाया जाता था, ठीक है, और बहुत सारे गार्ड्स होते थे जिन्होंने ऐसे ट्रीज ले रखे होते थे जिनके ऊपर बर्ड्स होती थी, कुछ ऐसे पैरट्स होते थे जिनको अच्छे से ट्रेन किया जाता था, जो एम्परर के सर के चारों तरफ घूम रहे होते थे, ठीक है, और किंग के आसपास नॉर्मली ऐसी औरतें होती थी जिनके पास हथियार होते थे, क्योंकि उनको ये डर रहता था कि कहीं उन्हें कोई मार ना दे। ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ना हमारे इंडियन हिस्टोरियंस बोल रहे हैं, ये बात मेगस्थनीज ने अपनी किताबों में लिखी है। और बहुत सारे स्पेशल सर्वेंट्स भी होते थे जो खाने को पहले टेस्ट करते थे राजा को देने से पहले, क्यों करते थे, कि भैया वो राजा है, ऐसा ना हो किसी ने उसके खाने में जहर दे दिया हो, इसलिए जो भी चीज़ खाने को राजा को दी जाती थी उससे पहले एक आदमी उसको टेस्ट भी करता था, ठीक है। और राजा कभी भी सेम बेडरूम में नहीं सोता था। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, जिसको हम आज के टाइम पे पटना कहते हैं, उसने पटना के बारे में लिखा है कि ये बहुत बड़ी और सुंदर सिटी है, ठीक है, जिसके चारों तरफ पे बड़ी दीवार है, क्योंकि पहले के जो शासक होते थे वो अपने एरिया जो भी उनका होता था उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी मोटी दीवार ही खड़ी कर देते थे ताकि बाहर के घुसपैठिए अंदर ना आ सके।
इसमें कितने खंबे हैं? 570 खंबे हैं और 64 गेट्स हैं। कैन यू बिलीव इट, कितने ज्यादा गेट्स हैं। द हाउसेज ऑफ टू एंड थ्री स्टोरीज आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक। अब इन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्र में ऐसे घर थे जो दो या तीन मंजिलों के होते थे, लकड़ी या मिट्टी के बने होते थे, और किंग का जो महल था ना वो भी लकड़ी का बना हुआ होता बना था और उसमें जो महंगे महंगे पत्थर है उससे डेकोरेशन की गई थी, और तो और सुंदर सा गार्डन भी था। ये सारी बात मेगस्थिनीस ने अपनी किताब में लिखी है। अब आ गई बात अशोका की, ठीक है, जो चैप्टर है हमारा अशोका के ऊपर। अशोका अ यूनिक रूलर, यूनिक समझते हो, जैसे इसके जैसा कोई नहीं, सबसे अलग सबसे भिन्न, तो अशोका यूनिक रूलर क्यों है? द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोका में कुछ अलग हटके तो बात थी, जो वो इतने यूनिक थे, फेमस हो गए वो इतने कि अशोका के ऊपर इतने सारे सीरियल बन गए। आप शायद जानते होंगे अभी एक स्टार है जो काफ़ी फेमस है, सिद्धार्थ निगम करके, उन्होंने भी अशोका का जो बचपन है वो प्ले किया था अशोका नाम के सीरियल में। एंड देन देवों के देव जो महादेव बनते हैं उन्होंने अशोका का बड़ा रूप प्ले करा है। तो ठीक है, इस तरह के सीरियल्स आप देखा करें। हाँ, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मिर्च मसाला लगा देते हैं हिस्ट्री को दिखाने में, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें तो पता पड़ेंगी कि ऐसा ऐसा हुआ होगा उस टाइम, ऐसी चीज़ें थी। तो कार्टून से हटकर थोड़े आप हिस्टोरिकल सीरियल्स को भी बेटा देखा करो। तो जो अशोका थे वो पहले ऐसे रूलर बने, शासक बने, जिन्होंने जो आम आदमी है उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, अपने साम्राज्य के लोगों से बात करने की कोशिश करी, अपने मैसेज उनको देने की कोशिश करी कि वो ये सोचते हैं। अब एक एक के पास तो वो जा नहीं सकते, तो दुनिया उनकी बातों को समझे, उनके ना रहने के बाद भी उनकी बातों को याद करे, तो उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इंस्क्रिप्शंस करना बाना इसका स्टार्ट कर दिया। इंस्क्रिप्शन क्या, किसी भी पत्थर पे लिख दी अपनी बात। अब देखो, पत्थर पे लिखी बात ऐसे तो मिट नहीं जाएगी, तो जो भी वहां से गुजरेगा उसको पढ़ेगा। अब ये जो बात होती थी अशोका के इंस्क्रिप्शन में लिखावट जो होती थी, तो ये प्राकृत भाषा में लिखी जाती थी। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। और इसकी जो स्क्रिप्ट होती थी, लिपि होती थी, वो ब्राह्मी लिपि होती थी। अब आप अपनी, अगर आपको लिपि नहीं समझ में आ रहा, तो आप जिससे भी हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण, उन टीचर से पूछेगा कि हमारी भाषा हिंदी है लेकिन स्क्रिप्ट लिपि हमारी देवनागरी है। तो उसी प्रकार से इनकी जो भाषा थी लिखावट की वो प्राकृत, और लिपि इनकी यानी स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी। अशोका स्वार इन कलिंग। कलिंग इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, ठीक है, जो आज के टाइम पे उड़ीसा आया हमारा, उसका पुराना नाम था कलिंग। अशोका फॉट अ वॉर टू कंकर कलिंग। However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. तो कलिंग यानी उड़ीसा, तो यहाँ पर एक बार युद्ध होता है अशोका का, और वो इस युद्ध को जीत भी जाते हैं, लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी अशोका खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब वो युद्ध जीतने के बाद उनकी नजर जहां जहां दूर दूर जाती है, वहां सिर्फ उन्हें खून ही खून, खून ही खून दिखता है, चाहे फिर अपने लोगों का, चाहे फिर कलिंग के लोगों का। इससे काफी ज्यादा वो दुखी हो जाते हैं कि ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें इतने लोगों का खून चला गया हो। और इसी वजह से वो ऐसे पहले राजा बनते हैं, ऐसे शासक बनते हैं हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने एक लड़ाई को जीतने के बाद भी लड़ाई करने से त्याग ले लिया, बोला आज के बाद मैं कभी भी लड़ाई नहीं करूंगा। अब अशोका के एक इंस्क्रिप्शन में उन्होंने कलिंग की लड़ाई के बारे में, कलिंग के युद्ध के बारे में भी लिखा है। देखते हैं क्या लिखा है। दिस इज वॉट अशोका डिक्लेयर्स इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, ठीक है, क्या लिखा है देखो। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंक्वर्ड कलिंग। About a lakh and a half people were captured and more than a lakh of people were killed.
उन्होंने बताया कि मेरे राजा बनने के करीबन 8 साल बाद मैंने कलिंग पर कब्जा किया। लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को मैंने बंदी बना लिया, मतलब कब्जे में ले लिया, और कुछ लाख लोग जान से हाथ धो बैठे। और इस चीज ने मुझे दुख से भर दिया। क्यों? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people died and many are taken prisoners. Brahmins and monks also died. वो बोलते हैं कि जब भी किसी जमीन पर कब्जा किया जाता है तो हजारों लाखों लोग मरते हैं, या तो उनको कैद मिलती है, साधु संत भी मरते हैं, ठीक है, लोगों के रिलेटिव्स मर जाते हैं, दोस्त मर जाते हैं, ठीक है, उनके स्लेव्स मर जाते हैं, सर्वेंट्स मर जाते हैं, जिन्हें वो प्यार करते हैं वो मर जाते हैं, उनको खो देते हैं वो। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ एंड मैंने डिसाइड किया है कि मैं धम्मा को ऑब्जर्व करूँगा और दूसरों को भी सिखाऊंगा धम्मा के बारे में। यहाँ लिखा है ना धम्मा, धम्मा के बारे में। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कंक्वेरिंग देम थ्रू फोर्स। इनका मानना है, अशोका बोलते हैं कि मुझे लगता है कि लोगों को लड़ाई से जीतना, लड़ाई से हासिल करने से अच्छा है कि मैं लोगों का दिल धम्मा के माध्यम से जीतूं। और मैं ये मैसेज फ्यूचर के लिए लिख रहा हूँ सो दैट जो मेरे बेटे होंगे या मेरे ग्रैंडसन होंगे मेरे जाने के बाद थोड़ा सोचेंगे लड़ाई को लेके, ठीक है, और उन्हें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें धम्मा को फैलाना चाहिए देश दुनिया में, इसको भी वो समझ पाएंगे। इसलिए मैं इन इंस्क्रिप्शन को लिखवा रहा हूँ। दरअसल ये धम्मा होता क्या है, तो बेटा ये प्राकृत भाषा का शब्द है, ठीक है, और संस्कृत में इसे हम धर्म कहते हैं। आ गई हो ना बात समझ में? धम्मा प्राकृत भाषा का शब्द है, संस्कृत में इसे हम धर्म कहते हैं, धर्म। दरअसल अशोक का धम्मा यानी अशोक का धर्म क्या कहता था इसके बारे में देखेंगे। अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रीफाइस। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो अशोक ये कहते हैं, अशोक का मानना था कि मैं मूर्ति पूजा पे या किसी भगवान की पूजा पे, दान दक्षिणा पे, यज्ञ करवाने पे, इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ, मेरा विश्वास नहीं है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को सिखाता है, वैसे ही ये मेरा धर्म है कि मैं भी अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, मेरे आने वाली पीढ़ी को सिखाऊं। दरअसल अशोका किससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे, तो बुद्ध के टीचिंग से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। और बुद्ध क्या कहते हैं ये मैंने आपको चैप्टर 6 में बुद्धा के बारे में बताया है। प्रॉब्लम्स थी जो अशोका को दिक्कत देती थी, उनके साम्राज्य में, उनके एम्पायर में लोग अलग अलग धर्मों को मानते थे, है ना, और इसकी वजह से लड़ाइयाँ भी होती थी, एनिमल्स की बलि दी जाती थी, लोगों को गुलाम बनाया जाता था, नौकर बनाया जाता था, और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। इसके अलावा घर में भी घरेलू लड़ाई झगड़े होते थे, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े, सास बहू के लड़ाई झगड़े, भाई भाई में जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीज़ें, अड़ोसी पड़ोसी में ज़मीन के मुद्दों को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। तो अशोका को क्या लगता था कि उनकी ड्यूटी है कि वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया जिनको उन्होंने धम्मा महामत्ता का नाम दिया, ठीक है। तो ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों को धम्मा के बारे में यानी धर्म के बारे में ज्ञान देते थे। इसके अलावा भी अशोक ने क्या किया कि अपने मैसेजेस को, कि वो क्या सोचते हैं धर्म के बारे में, लोगों को कैसे करना चाहिए, लोगों को दूर दूर तक ये बात पहुंचाने के लिए उन्होंने इंस्क्रिप्शंस करवाने स्टार्ट कर दिए पत्थरों पर, पिलर्स पर यानी खंभों पर, ताकि जो भी इंसान वहां से गुजरे वो एक नज़र इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़े, ठीक है। तो और जो लोग पढ़ना लिखना नहीं भी जानते थे या पढ़ नहीं सकते थे उन इंस्क्रिप्शन को, तो अशोका ने बोला अपने ऑफिसर्स को कि जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं उनको आप पढ़ के बताएंगे कि इन इंस्क्रिप्शंस पे क्या लिखा है। अशोका ने अपने बहुत सारे मैसेंजर्स को भी भेजा ताकि वो दुनिया में अलग अलग
जगह पे अलग अलग कंट्रीज में धम्मा का यानी धर्म का प्रचार कर सकें। अब कौन सी कंट्रीज में भेजा था? सीरिया, सोचो सीरिया। बट आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो अशोका के सीरिया में भेजने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। सीरिया बहुत ही ज़्यादा करेंट सिचुएशन, अभी आप बच्चे हो लेकिन अगर आप सर्च करोगे तो सीरिया में ना कुछ होता ही रहता है, आतंकवादी हमले बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल शांति नहीं है। सीरिया में भेजा गया, इजिप्ट में भेजा गया, ग्रीस में भेजा गया, श्रीलंका में भेजा गया। इन सारी चीज़ों को आप सर एक बार मैप में भी देखना कहाँ कहाँ है। इन्होंने क्या करा, रोड्स बनवाई, कुएं खुदवाए और बहुत सारे रेस्ट हाउस भी बनवाए, मतलब धर्मशाला वगैरह भी बनवाई ताकि जो लोग यात्रा करते हैं वो आके वहाँ पर शरण ले सकें, आराम कर सकें, रेस्ट हाउसेस बनवाए। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट की भी सुविधा चलाई, किसके लिए, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, समझ रहे हो। लोग उस टाइम पे राजा जानवरों की तक सोच रहा है। अब ये देखिए क्या है, ये है रामपुरवा बुल, लुक एट दिस फाइनली पॉलिश स्टोन स्कल्पचर, दिस वॉज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न पिलर फाउंड इन रामपुरवा बिहार एंड हैज नाउ बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिल्क ऑफ द स्किल ऑफ द स्कल्पचर्स ऑफ द टाइम। अब देखो आज तो लोग इतनी पढ़ाई करते हैं, इन सब चीज़ों की भी पढ़ाई करते हैं, इनमें डिग्री लेते हैं और फिर जाके कलाकार बनते हैं, लेकिन उस जमाने में कोई सिखाने वाला नहीं था, यूट्यूब नहीं था सीखने के लिए, ना कोई कोर्स चलते थे, ना कोई अकेडमी चल रही थी जहाँ आप जाके ये सब सीखो। फिर भी लोग क्या डिज़ाइन बनाए हैं, ये पूरा एक पत्थर है और पत्थर को किस तरीके से कार्व किया गया, काटा गया है और ये बुल बनाई गई है, ठीक है। तो ये बुल बनी मिली थी बिहार के एक रामपुरवा जगह पे, लेकिन आज के टाइम पे ये कहाँ रखी गई है, राष्ट्रपति भवन में रखी हुई है। एक नजर जरा ये देखिए कि अशोका के क्या मैसेज थे अपने लोगों के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए। पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी। अशोका बोलते थे कि लोग बहुत सारे रीति रिवाज करते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएं, या जब उनके बच्चों की शादी होती है, या उनके जब बच्चे पैदा होते हैं, या वो कभी किसी जर्नी पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे रीति रिवाज करना, पूजा पाठ करना, ये यूजफुल नहीं है। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए कि कुछ प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करना चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा, लाभदायक होगा। सो ये क्या क्या प्रैक्टिस हो सकती हैं कि आपको लोगों को प्यार से ट्रीट करना चाहिए, गुलाम नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने नौकर भी रखा है तो उसको भी आप अच्छे से ट्रीट करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, हर इंसान को एक बराबर माने, एक नज़र से देखें। ब्राह्मण्स और जो साधु संत होते हैं उनको हमेशा गिफ्ट दिया करें, ठीक है। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स, और ये बहुत गलत है कि आप अपने धर्म को अच्छा और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाएं, ये काफ़ी गलत चीज़ है। हमें एक दूसरे के धर्म की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरे के रिलीजन को हमेशा उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है। Therefore, one should try to understand the main idea of another's religion and respect it. एक दूसरे के धर्मों को समझ के उनके धर्म का क्या बेसिक आइडिया है ये भी हमें समझना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने लिखा, हिज एडिक्स मतलब इंस्ट्रक्शन स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। तो प्रधानमंत्री नेहरू जी क्या बोलते हैं कि अशोका के जो इंस्ट्रक्शन थे, इतने पहले उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आज भी उस भाषा में लिखे हुए हैं कि हम उन्हें समझ सकते हैं, उससे सीख सकते हैं बहुत कुछ, ठीक है। अब देखो ये कितना अंतर है, अगर आप देवनागरी भाषा, ये स्क्रिप्ट होती है हिंदी में, हम ऐसे लिखते हैं। अगर अर्ली ब्राह्मी की बात करी जाए तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता, बंगाली में ऐसे, मलयालम भाषा कहाँ की होती है, बंगाली तो आप बंगाल के समझ गए होंगे, मलयालम भाषा होती केरला की और तमिल भाषा तमिल की। तो देखिए कितना अंतर अंतर है। एल्सवेयर में क्या बताया जा रहा है, समवॉट बिफोर द टाइम ऑफ मॉरियन एम्पायर अबाउट 2500 ईयर्स अगो एम्परर्स इन चाइना बिगेन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल।
तो लगभग जो मौर्यन एम्पायर है उसमें 2300 साल लिखा हुआ था, और यहाँ लगभग 2400 साल है, यानी उससे पहले, थोड़ा सा मौर्यन एम्पायर के पहले ही जो चाइना के लोग थे, आपने सुना होगा ना द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में, तो उन्होंने ये ग्रेट वॉल बनानी स्टार्ट कर ली थी। और ये क्यों बनाई जा रही थी, ताकि जो नदर फ्रंटियर है ना उसको बचाया जा सके पेस्टोरल पीपल से। पेस्टोरल पीपल कौन होते हैं, चरवाहे ही होते हैं। एडिशन टू द वॉल वर मेड ओवर पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर कैप शिफ्टिंग। द वॉल इज अबाउट 64 किलोमीटर लॉन्ग एंड मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक विद अ रोड अलॉन्ग द टॉप। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल। देर आर वॉच टावर्स ऑल्सो अलॉन्ग एट डिस्टेंस ऑफ 100 से 200 मीटर। तो यहाँ पर वॉच टावर भी बने हुए हैं, मतलब इन पे खड़े होके आप देख सकते हो हर 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर, और 6400 किलोमीटर लंबी है ये। सोचो कितनी लंबी है ना, इसका नाम है इसके ऊपर, इस वॉल के ऊपर ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, मतलब कितनी लंबी है ये वॉल। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, नो ग्रेट वॉल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द लगा है, यूनिक चीज है एकदम। अब ये देखिए चैप्टर तो आपका खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट दिखाई जा रही है, जिसके अंदर हम सिल्क रूट की बात करेंगे। दीज रूट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइनीज रूलर्स। और जो ग्रीन वाली हैं ये कुशाण, जिसको हम चैप्टर 9 में भी पढ़ेंगे, कुशाण एक डायनेस्टी है उसके बारे में, कुछ कुशाण लोगों के बारे में। और ये जो कलर है आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये जो आपको कलर दिख रहा है ये सी रूट दिखा रहा है, और रेड वाला आपको दिखा रहा है जो ईरान, यानी आज के टाइम पे ईरान और उस जमाने पर्शिया कहते थे, यहाँ के शासक के अंडर में था रेड वाला, एंड पर्पल वाला जो था वो रोमन एम्पायर के अंडर में था। तो इस तरह से ये रूट। अब यहाँ देखिए इसमें क्या दिखाया जा रहा है, चाइनीज इंडियन ईरानियन अरब ग्रीक एंड रोमन ट्रेडर्स पार्टिसिपेटेड इन दीज एक्सचेंजेस। तो यहाँ अलग अलग कंट्रीज के लोग व्यापार किया करते थे, एंड जो पोर्ट्स थे साउथ इंडिया के जो पोर्ट्स थे वहाँ से मसाले वगैरह का व्यापार होता था, क्योंकि इंडिया के मसाले काफ़ी फेमस है। देखो इधर से ये इंडिया है ना अपना, तो यहाँ से मसाले जा रहे हैं कहीं, यहाँ से जा रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या होता था, ट्रेड होता था। मान लो यहाँ से मसाले यहाँ भेज दिए, ये भी इंडिया का गुजरात महाराष्ट्र वाला रीजन है आज के टाइम का, फिर ये वो यहाँ होते हुए वेस्टर्न वर्ल्ड में, सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल एशिया में, इस तरीके से फैलते थे। लुकिंग अहेड में यहाँ पर इंडो ग्रीक कॉइन, कुशान कॉइन, शाकस कॉइन और साधवान कॉइन्स के बारे में दिया गया है। सो इनके बारे में आगे आने वाले जो चैप्टर 9 वगैरह है इनमें मैं आपको बताऊंगी, गुप्ता के बारे में बताऊंगी। सो पर्टिकुलर चैप्टर में ही बता दूंगी। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षी विद्या साधना।